है हमारे साथ इन नतीजों पर बात करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के भरत गनानी जुड़ चुके हैं। भरत, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21.6% के और मुनाफा 933 करोड़ रुपए का, अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। ये बताइए आपको कैसे लगे नतीजे? नतीजे थोड़े ऑपरेटिंग लेवल पे थोड़े बेटर है स्ट्रीट एस्टिमेट से, तो वो हमारा मार्जिन एस्टिमेट 21% के करीब था, तो 50-60 basis points मार्जिन पे बीट है। और अगर हम ऑपरेटिंग लेवल पे देखते हैं तो भी 60-65 करोड़ का कंपनी ने बेटर नंबर्स रिपोर्ट किया है ऑपरेटिंग लेवल पे, तो किसी थोड़े बेटर लग रहे हैं। राइट, आप कुछ और नंबर्स आपके सामने थ्रो करूंगा। अदर इनकम का आंकड़ा भी हमारे स्क्रीन पर आता हुआ 113 करोड़ रुपए के सामने 152 करोड़ रुपीज की अदर इनकम इन्होंने इस बार दिखाई है, तो करीब करीब पिछले साल से करीब 40 करोड़ ज्यादा अदर इनकम इस बार पेश की गई है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के ऊपर के आए हैं, 21.6% टू बी मोर प्रिसाइज, ये काफी उत्साह देने वाले हैं। वॉल्यूम्स को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी भरत, क्योंकि आप देखिए 6098 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम इन्होंने इस बार पेश करी है, आप किस एक्सपेक्टेशंस के साथ वर्कआउट कर रहे थे? देखिए थोड़ा रेवेन्यू फ्रंट पे भी कंपनी ने थोड़ा एस्टिमेट को बीट किया है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा मतलब जो रियलाइजेशन पर व्हीकल है वो थोड़ा सा एस्टिमेट से बेटर आया है, मे बी बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स या तो फिर पॉसिबली उनके एक्सपोर्ट वॉल्यूम से जो डॉलर रियलाइजेशन है वो हमें मैनेजमेंट से समझना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की मूवमेंट फेवरेबल हुई थी प्रोडक्टिव में, और बचा जो तो रफली 50% ऑफ दी वॉल्यूम एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, तो पॉसिबली उस फ्रंट पे मे बी कंपनी ने डॉलर रियलाइजेशन में थोड़ा बेटर स्टोर किया होगा इस बारे में। तो बेसिकली मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से रफली 100 करोड़ 130 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रफी ज्यादा किया है, जिसे रफी 2%, तो डेफिनेटली अपलाइन फ्रंट पे भी और प्लस मजेक फ्रंट पे भी थोड़ा सा मजेना भी परफॉर्मेंस है कंपनी। ये बताइए इन सब आंकड़ों में मुनाफे का फिगर आप देखिए, इनकम का फिगर देखिए या मार्जिन का फ्रंट देखिए, मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज मार्जिन के फ्रंट पर दिख रहा है, 18.9% के सामने 21.6% के मार्जिन, क्या बड़ी वजह लगती है इतने अच्छे मार्जिन के पीछे? देखिए ईयर ऑन ईयर में दो बड़े फैक्टर है, एक तो कमोडिटी प्राइसेस काफी डिक्लाइन हुआ है, अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो एक बड़ी वजह है, एंड दूसरी चीज है अगर हम देखेंगे कि इनका डॉलर यूरोजिशन भी काफी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ डॉलर मूवमेंट अगेंस्ट इंडियन, तो मेरे हिसाब से जो बड़े फैक्टर हैं जो मतलब मार्जिन फ्रंट प्लस प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे कंपनी का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी आपकी इस समय क्या रेटिंग है इस शेयर पर और क्या टारगेट्स हैं एक साल के लिए, और इन नतीजों के बाद आप क्या उसको अपवर्ड रिवाइज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुनाफा हो इनकम हो मार्जिन हो तीनों ही फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन दिखा है? देखिए एज ऑफ नाउ हमारा न्यूट्रल रेटिंग है स्टॉक के ऊपर, बिकॉज वॉल्यूम फ्रंट पे इंडस्ट्री ओवरऑल ही प्रेशर में है, बट डेफिनेटली इस नतीजे के बाद हमें मैनेजमेंट से फ्यूचर आउटलुक एंड डॉलर रियलाइजेशन क्या हम लोगों ने हेजेस वगैरह लिए हैं वो समझना पड़ेगा, बट डेफिनेटली गिवन दी अभी हम पॉसिबली टारगेट प्राइस पे रह सकते हैं, बट हमें मैनेजमेंट से समझना पड़ेगा बिल्कुल मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी। शुक्रिया भरत आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने भी अच्छे मार्जिन पेश किए थे, वहां पर उन्होंने इस तरह के प्रोसेसेस चला रखे थे और जिससे उनकी कॉस्ट को हमें कमी देखने को मिली और मार्जिन इंप्रूव हुए। बजाज ऑटो के कमेंट्री भी ज्यादातर लोग अब सुनना चाहेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इन मार्जिन में अच्छा सुधार दिखाया है। कुछ देर में जब वो कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होगी तो हम आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दूसरे स्टॉक्स इस पर नजर होनी चाहिए जो कंपनी अपने नतीजे पेश करने वाली है, सब ब्रेक के बाद।